अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हमजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल हमजा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है आईजी ऑप्शन पर ही हम फिर से ट्रेड करेंगे, तो 94 डॉलर की होगी मेरी आज की ट्रेड। एक ही ट्रेड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि रीजन क्या थी ट्रेड लेने की। आजकल मार्केट बहुत खराब चल रही है, मैं आपको ये परफेक्ट करूंगा कि यार बहुत सोच समझ के ट्रेड लेनी है, क्योंकि जो रिजेक्शन वगैरह है, पैटर्न्स वगैरह है इस मार्केट में आजकल बिल्कुल काम नहीं कर रही है। देखें, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, लाइव प्रूफ देख लें भाई लोग, एक सेकंड ये देखें मार्केट की हालत, देखें ये विक्स देख रहे हैं आप, ये देखें ये मार्केट चल रही है। अब यहाँ पर ये देखें, ये मार्केट खराब चल रही है, ये देखें ये मार्केट देख रहे हैं आप, ये देख लें बड़ी बड़ी कैंडल्स और विक्स वाली कैंडल्स यहाँ पर देख लें एक लाइन में, ठीक है। तो आजकल मार्केट जो है वो सही नहीं चल रही, तो बड़े ही कदम फूंक फूंक के रखने हैं आपने, तो लोगों के चांस आएंगे, लोगों के अकाउंट वॉश होंगे इस मार्केट में। इसीलिए अगर लॉस हो रहा है तो भाई लोग छोड़ दो इस मार्केट में, ना आप ट्रेड करो, बहुत डिफिकल्ट होती है ये मार्केट, ठीक है। तो मैं भी ज़रा वेट करके ट्रेड लूँगा, क्योंकि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर लूँगा। तो यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नहीं फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं। पुट की एंट्री मेरी इस लेवल पे बनती है, यहाँ तक अगर आए तो मैं पुट की एंट्री लूंगा अपनी, हालांकि मेरा पैटर्न कंफर्म नहीं है। मेरा पैटर्न कंफर्म उस वक्त होता है अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती, तो फिर मेरे पैटर्न तो इसको छोड़ दो यार, कंफर्म पैटर्न पे ही अपनी एंट्री लेते हैं। आप भी वो सोचने सोच सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये कंफर्म पैटर्न कौन सा होता है, इसलिए मैं नहीं ले रहा ट्रेड, ठीक है। अच्छा जी, तो डोजी बनी कंटिन्यूशन साइन था, टाइम निकल गया, ओके ओके। यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है, अच्छा जी। तो यहाँ पर अब लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हमारी पुट की एंट्री लग सकती है। फिलहाल यहाँ पे हैमर बन रहा है, लेट्स सी, यहाँ पे होल नंबर भी है ना, हाँ ये नहीं होल नंबर नहीं है, ओके हमने मिला है, बट यहाँ पे हमारी कॉल की एंट्री नहीं लगती, क्योंकि मार्केट देख लें आप डाउन ही आ रही है मार्केट, तो पुट की एंट्री लग सकती है अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए तो, ठीक है जी। यहाँ पे याद एक लेवल भी है ये वाला, अगर इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट कैंडल मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, श्योरिटी तो नहीं लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल भी रेड की बनी। ओके ये बहुत नीचे चला गया यार, ये बहुत नीचे चला गया, लेट्स सी अगला लेवल कहाँ मिल सकता। ओके अच्छा लेवल बहुत नीचे है इसका, वेट लेट मी चेक इट फर्स्ट, ये लेवल है इसका। हालांकि मैं स्ट्रॉन्ग कैंडल पर ट्रेड नहीं करता, मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करता कि आप स्ट्रॉन्ग कैंडल पर ट्रेड करो। ओके नहीं, अब यहाँ पर एंट्री नहीं लगती क्योंकि वेट वेट होल नंबर रिजेक्शन, होल नंबर से नीचे क्लोज, ओके जी अब थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे अगर आए तो मेरी पुट नहीं लगेगी। लास्ट कंफर्मेशन हमेशा ध्यान में रखनी है, ओके होल नंबर से रिजेक्शन दे रही है, रिजेक्शन मुझे यहाँ पे अगर ये कैंडल रेड में आती है ना तो फिर मेरी एंट्री लगेगी। मैं आपको बताऊंगा क्यों, थोड़ा सा अगर ये नहीं ऊपर निकल गई है, हमेशा देखो लास्ट कंफर्मेशन का वेट हमेशा करना है आपने। मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे एंट्री ले क्यों रहा था। अब लोग बोलते हो कि यार यहाँ एंट्री आप छोड़ते हो, वो चीज़ बताया गया वजह कि यार क्यों छोड़ती हो एंट्री। यहाँ मैं एंट्री इसलिए ले रहा था कि भाई लोग जरा गौर से देखो, यहाँ पे जो लेवल था स्ट्रॉन्ग था ये एक नीचे लेवल था, ठीक है। इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, जो ये वाला लेवल था, ठीक है, जो ये वाला लेवल था इसने इसको कर दिया ब्रेक। अब यहां पर देखें एक होल नंबर था, होल नंबर से इसने यहां पे अपना एक न्यू लो बनाया, ठीक है। न्यू लो बना के किसने, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने न्यू लो बनाया। तो अब ये कैंडल जो थी, अगर ये मुझे लास्ट कंफर्मेशन देती थोड़ा सा नीचे आती तो मैं पुट की एंट्री लेता कि यार एक मिनट, अब यहां भी मेरी पुट की एंट्री लग सकती है अगर ये रेड में आए तो। यहां पर मैं इसलिए एंट्री ले रहा था कि यार न्यू लो इसने बनाया, ये कैंडल थोड़ा सा नीचे अगर आती तो पुट की एंट्री लेता, क्योंकि यार एक तो इसने न्यू लो बनाया इस लेवल तक, इस कैंडल ने करना था रीच, ठीक है, और दूसरा जो था इस होल नंबर्स के इसने ब्रेकआउट भी दे दिया था, और तीसरा जो था स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी और एंट्री भी हम पुट, ये लग गई एंट्री मेरी, ओके। ये मैंने कंफर्मेशन पे एंट्री लिया लास्ट सेकंड में जो है, अपनी एंट्री अपनी प्लेस की है अपनी, क्योंकि ये अब एंट्री क्यों लिया कि यार ये यहाँ पे एक लेवल है ये वाला, ठीक है, इसने इस लेवल तक न्यू लो तक रीच
करना है। अगर रिवर्स होगी कैंडल, अगर मेरा लॉस होगा, तो सिर्फ एक सूरत में होगा कि यार अब इस लेवल से कैंडल रीच करेगी। मैंने यहाँ ऊपर क्यों नहीं अपनी एंट्री लगाई, यहाँ ऊपर मैंने अपनी एंट्री इस वजह से नहीं लगाई क्योंकि यार मुझे कंफर्म नहीं, इसने कंफर्मेशन नहीं दी थी कि यार मैं रेड में जाऊंगी। अगर ये रेड में गई तो मुझे अब कंफर्म होगा हाँ यार अब ये रेड में चली गई है, कंफर्मेशन मिल गया, अब हम पुट की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, $81 जो है हमारे आपके सामने विन हो चुके हैं। नहीं समझ आई, जरा गौर से देखो, मैं यहाँ पे अपनी एंट्री ले रहा था, इस जगह पे मैं अपनी एंट्री ले रहा था इस कैंडल पे, ठीक है, मैंने नहीं ली। मैंने एंट्री क्यों ले रहा था, मैंने एंट्री क्यों नहीं ली, फिर से सुन लो, मैं इसलिए यहाँ पे एंट्री अपनी ले रहा था कि यार यहाँ पे एक लेवल था सपोर्ट पॉइंट का, इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया। ओके, अब जो है, अब यहाँ पे होल नंबर था, होल नंबर को भी इसने ब्रेक किया, लेकिन इसने नीचे से रिजेक्शन दी, कंफर्मेशन दी, सॉरी कंफर्मेशन नहीं, एक रिजेक्शन दी, अपना एक न्यू लो बना दिया। कहाँ पे क्लोज हुआ ये कैंडल? होल नंबर से नीचे, होल नंबर स्टिल जो है वो ब्रेक था, ठीक है, होल नंबर से नीचे क्लोज हुआ और जो है इसने एक न्यू लो बना दिया। अब यहाँ पे मेरी पुट की एंट्री क्यों लगती थी? वो इसलिए, एक तो मोमेंटम डाउन का था, एक बात होगी, दूसरी बात स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी, इसलिए हम रेड रेड के लिए ही जाते, न्यू लो था। थर्ड जो है वो लेवल का ब्रेकआउट था, ओके हो गया। फोर्थ जो है वो होल नंबर का भी ब्रेकआउट था, होल नंबर से इसने रिजेक्शन दी, रेड की तरफ जाती तो फिर हम एंट्री लेते, लेकिन यहाँ मैं लेट हो गया, मुझे जो है कंफर्मेशन नहीं मिली तो मैंने अपनी एंट्री नहीं ली। ओके जी, अब आ जाओ नेक्स्ट कैंडल की तरफ। अब जो ये कैंडल थी, ये कंटिन्यूशन साइन मुझे मिला किसका? पुट का, क्योंकि ये भी रेड में है, ऊपर से एक जो है वो एक अच्छी वीक कैंडल भी मुझे मिली है, ये भी जो रेड में थी, क्योंकि इस कैंडल ने जो है, इस कैंडल ने इस लेवल तक रीच करना, जो इसका ये लेवल है, इस यहाँ तक रीच करना था, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि यार अगर ये कैंडल थोड़ी सी रेड में आती है तो फिर मैं अपनी एंट्री लूँ, इसलिए कैंडल थोड़ी सी रेड में जब यहाँ पे आई तो मैंने अपनी एंट्री ले ली है। रिजल्ट आपके सामने आ गया, अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट दोबारा से रिवर्स हो रही है, क्योंकि ये इसका न्यू लो था, अब यहाँ से मार्केट दोबारा से रिवर्स हो रही है। ठीक है भाई लोग, छोटी सी वीडियो थी, आई होप सो कि अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, और नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।